हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अगर 24/7 PCS पर। मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। मेरा नाम है दिव्यांशी चंद्रा। मैं यहाँ पर आपके लिए लैंडमार्क जजमेंट्स की सीरीज लेकर के आई हूँ। आज उसी कड़ी में एक और बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस जुड़ने वाला है। बहुत ही मज़ा आने वाला है ये केस डिस्कस करने में, क्योंकि ये केस जिस तरह से सोशो लीगल इशूज़ को, जेंडर इक्वालिटी को एड्रेस करता है, एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन्स को भी हम इंटरप्रेट करते हैं जिस तरह से यहाँ पर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है इसको करने में। तो जितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं, प्लीज फटाफट से सबको शेयर कर दीजिए ताकि हम अपना आज का सेशन शुरू करें। अच्छा, जैसे कि आप नाम पढ़ सकते हैं, एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा, क्या किसी ने सुना है मतलब इस केस के बारे में? किसी को कोई आइडिया, ब्रीफ आइडिया कि ये केस किस चीज से रिलेटेड है, कहानी क्या है, बैकग्राउंड क्या है यहाँ पर? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो अच्छी बात है, रिविजन हो जाएगा, बाकी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आप देखिए, केस का नाम तो आपको पता ही है, एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा। और यहाँ पर कौन कौन से जस्टिसेस बैठे थे? तो जस्टिसेस बैठे थे जस्टिस फजल अली, जस्टिस सैयद मुर्तजा, जस्टिस वरदराजन ए एंड जस्टिस सेन। चार जजेस बैठे थे जिन्होंने ये केस सुना था और इसमें बहुत ही अहम फैसला दिया था, जो कि आज भी हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है। जब भी ऐसा कोई मुद्दा निकल कर आता है तो इस केस को ज़रूर रेफर करा जाता है। ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। चलिए, अब दूसरी चीज़, नेक्स्ट चीज़ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, केस की डेट क्या थी, जजमेंट की डेट क्या थी? तो जजमेंट की डेट थी 28 अगस्त 1981। काफ़ी पुराना केस है, लेकिन पुरानी चीज़ें तो हमारे लिए ज़्यादा काम की होती हैं, ज़्यादा मायने रखती हैं, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताने के लिए कि एक्चुअल में केस में था क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा। तो पहली चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करी कि बोथ मेन एंड वुमेन आर इक्वल, और सोसाइटीज़ जो इस बात को फॉलो करती है ना कि मेन और वुमेन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, दे लीड अ पीसफुल लाइफ। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की ये भी थी। अब अगले भी आ जाते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात, जैसे मैंने आपको बताया कि जेंडर इक्वालिटी की बात करी गई है यहाँ पर, रूल्स की बात करी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस की बात करेगी, फंडामेंटल राइट्स की बात करेगी, लेकिन दृष्टिकोण क्या था? दृष्टिकोण इसी को लेकर के था जो जेंडर इक्वालिटी है आपकी, बिकॉज अगर जेंडर इक्वालिटी को एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे तो फंडामेंटल राइट्स का, प्रियाम्बल के विजन का, कॉन्स्टिट्यूशन के विजन का वॉयलेशन ही तो है, उल्लंघन ही तो है। हेलो शौर्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए अब आप आ गए। चलिए, तो मैं यहाँ पर बता देती, जेंडर इक्वालिटी इज ऑल्सो ह्यूमन राइट एंड एवरी वन रीव्स बेनिफिट फ्रॉम दिस, सबको इससे फ़ायदा ही होता है, जेंडर इक्वालिटी लाने से सबको फ़ायदा ही होना है, किसी का किसी तरह का नुकसान नहीं होना है यहाँ पर। तो इसलिए ये समानता होनी चाहिए, लैंगिक समानता जिसे कहा जाता है, ये होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं केस के फैक्ट्स के बारे में। तो पहली चीज़ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है यहाँ पर एयर इंडिया एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशंस जो है ना, ये चैलेंज में आए थे, पर्टिकुलरली इनके क्लॉजेज 46 एंड 47 यहाँ पर चैलेंज करे गए थे पेटिशनर द्वारा। पेटिशनर एक एयर होस्टेस थी जिनका नाम था नरगेश मिर्जा। अब इन्होंने चैलेंज करा था क्लॉज 46 एंड 47 ऑफ एयर इंडिया एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, विद द चैलेंज बीइंग पॉजिटिव बिकॉज द सेड रेगुलेशंस क्रिएटेड अ सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ डिस्पैरिटी अमंग मेल एयर फ्लाइट पर्सन्स एंड फीमेल एयर होस्टेसेस। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, ये दो प्रोविजन यहाँ पर चैलेंज क्यों किए गए? द ओनली रीजन बींग, यहाँ पर ये जो प्रोविजन थे क्लॉज 46 एंड 47 डिस्पैरिटी क्रिएट कर रहे थे, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, भेदभाव कर रहे थे किसके बीच में, जो फीमेल एयर होस्टेस होती हैं उनमें और जो मेल फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं, जिनका यहाँ पर लिखा गया है एयर फ्लाइट पर्सन, ये कोई और नहीं है, ये भी फ्लाइट अटेंडेंट्स ही होते हैं। अब इनको लेकर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे बाकी चीज़ों को लेकर के, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो अलाउंसेस हो, चाहे वो छुट्टी वाली बात हो, चाहे प्रेगनेंसी हो, मैरिज हो, इन सब चीज़ों को लेकर के डिस्पैरिटी थी, और इसलिए हमारी पिटिशनर मिस नरगेश मिर्जा यहाँ पर इन्होंने चैलेंज करा था इसकी वैलिडिटी को, ठीक है। गुड इवनिंग अभिजीत, गुड इवनिंग बुशरा। अब हम टाइम से क्लासेस शुरू कर देते हैं, तो आप क्लासेस में टाइम से आ जाया करिए, ठीक है। और हमारी 6 बजे वाली क्लास आज 6 बजे नहीं होगी, 6:30 बजे होगी, ठीक है। सो बी रेडी, बिकॉज 6 बजे आपका एक मीट द टीम है, वो भी अटेंड कर लेना, लेकिन 6:30 बजे बी प्रेजेंट इन माई क्लास, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर विद इन द पेडिग्री ऑफ एयर होस्टेसेस ऑन सेवरल ग्राउंड, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पर थे मेल एंड फीमेल एयर फ्लाइट अटेंडेंट्स में, जो कि फीमेल को हम एयर होस्टेसेस के नाम से जानते हैं और मेल्स को हम जो है फ्लाइट पर्सन
के नाम से जानते हैं, ये डिफरेंस है। काम दोनों के एक ही जैसे होते हैं, काम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, बहुत ज्यादा के एक्चुअली फर्क नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अब ग्राउंड्स क्या क्या थे, ग्राउंड्स यहाँ पर ये थे, प्रमोशनल एवेन्यूज मतलब कि प्रमोशन से रिलेटेड, उसके बाद डिफरेंशियल रिटायरमेंट एजेस। आपको जान करके हैरानी होगी कि जहाँ पर फीमेल्स के लिए रिटायरमेंट एज 35 थी और मेल्स के लिए 58 थी, ये अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 46 था। आप देख सकते हैं डिस्पैरिटी का लेवल क्या है, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन का लेवल क्या है। रिटायरमेंट एज में इतना फर्क, मतलब कि एक व्यक्ति है जो कि मेल है वो 58 इयर्स तक काम कर सकते हैं, उनको 58 इयर्स तक सैलरी मिलेगी, वो तब तक के लिए काम कर सकते हैं। बट जहां तक फीमेल की बात आती है तो फीमेल का आप जो रिटायरमेंट करवा देते हैं 35 इयर्स में, जहां पर जिस एज में बहुत सारे मेल्स का कैरियर शुरू ही होता है बिल्ड ही होता है, उस एज पर आप किसी रिटायरमेंट करवा रहे हैं। अभी जैसे जैसे हम केस में आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि और क्या क्या चीजें हैं जहां पर इतने डिफरेंसेस हैं। देखिए अगर मुद्दा इतना बड़ा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसको इतना ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती, इतनी ज्यादा ग्रेविटी से नहीं लेती। और उसके साथ साथ ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि 1981 का जजमेंट हम 2022 में पढ़ रहे हैं, बी एड 2022 या 2050, ये जजमेंट्स कुछ ऐसे हैं जो हमें हमेशा पढ़ने पड़ेंगे, चाहे जिस ईयर का एग्जाम हो चाहे जो सा एग्जाम हो, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई विकल्प नहीं है आपके पास, ठीक है। उसके बाद कंडीशंस अबाउट टर्मिनेशन। अब आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि टर्मिनेशन हो जाता था फीमेल एम्प्लॉइज का, जो फीमेल एयर होस्टेसेस थी इनका जो है टर्मिनेशन कर दिया जाता था, जॉब से इनको निकाल दिया जाता था ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड मैरिज, मतलब कि स्टार्टिंग के 4 साल में ये शादी भी नहीं कर सकती थी और प्रेगनेंट होने पर भी इनका जो है टर्मिनेशन हो जाता था। तो आप देख सकते हैं कितना गंभीर मामला है, मतलब कोई अगर युवती है, कोई अगर महिला है जो नौकरी करना चाहती है, उनकी नौकरी लग भी जाती है, उनको नौकरी मिल भी जाती है, एयर इंडिया जैसे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में, एयर इंडिया बहुत जाना माना ऑर्गेनाइजेशन है, और हम बात कर रहे हैं 1981 की, जिस टाइम पर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एयरलाइंस में एयर इंडिया की ही मोनोपोली थी, कोई और एयरलाइंस का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था मार्केट में, मोनोपोली ही थी एयर इंडिया की, ठीक है। अरे बुशरा ऐसे कैसे रिटायरमेंट मिल गई आपको, किसने दे दी रिटायरमेंट, मैं तो नहीं दूंगी आपको, क्लासेस में आना पड़ेगा आपको, ऐसे रिटायरमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए अलग अलग जो है डाइवर्स ग्राउंड्स पे इनको कैसे डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा था, शादी कर ली तो टर्मिनेशन हो जाएगा, प्रेग्नेंट हो गए तो टर्मिनेशन हो जाएगा, और उसके साथ साथ रिटायरमेंट की एज 35 ईयर्स कर दी गई थी। बहुत सी जगहों पे जितने भी आपके स्टेट कमीशन वाले एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर रिलैक्सेशन के साथ भी एज जो है आपके 35 ईयर्स पर, मतलब आप कैरियर शुरू कर सकते हैं, ये एक ऐसी एज है, और इसी एज पर इनको जो है कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया जा रहा था, वॉलंट्री नहीं था, वॉलंट्री रिटायरमेंट नहीं था 35 पर, कंपल्सरी रिटायरमेंट था 35 पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आज इतने कम लोग क्यों हैं यहां पर, सबके सब कहां हैं, क्या हो रहा है, आज आते क्यों नहीं है आप लोग टाइम पे, आ जाएगा ये। चलिए उसके साथ साथ एक और जो इससे भी बड़ा सवाल बन रहा था वो ये था कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे ना, जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिशमेंट के, रेगुलेशन 47 के तहत उनको दी जा रही थी डिस्क्रिशनरी पावर्स, मतलब कि उनको जो है पावर दी जा रही थी, उनके पास अथॉरिटी थी कि वो अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं एज ऑफ रिटायरमेंट एज पर हिज ओन इंटरेस्ट, अपने हिसाब से। उनको किसी ग्राउंड्स की ज़रूरत नहीं है, किसी वैलिडिटी की ज़रूरत नहीं है, किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, वो अपने मनमाने तरीके से यहाँ पर एज को घटा बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ क्या यहाँ पर ये उचित है, क्या यहाँ पर उचित है, अगर जो है किसी कानून के तहत होता है तो अच्छी बात है, तो फिर भी समझ में आता है, हम डिराइव कर सकते हैं कि इनके पास ये अथॉरिटी है जिसके बेसिस पर ये ऐसा कर रहे हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर थी, मतलब विवेकाधीन शक्तियाँ थी, अपनी मर्जी से कर रहे थे जो भी कर रहे थे, ठीक है। हाँ अभिजीत, आर्मी में रिटायरमेंट 40 में हो जाती है, लेकिन दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पर जो है आपकी फीमेल एयर होस्टेसेस का रिटायरमेंट 35 था और मेल काउंटर पार्ट्स का यानी कि फ्लाइट परसूअर्स का
58 था, ठीक है, ये डिफरेंस था, इतना ज्यादा डिफरेंस था। और यहाँ पर मैरिज के ग्राउंड पर, प्रेगनेंसी के ग्राउंड पर जॉब से टर्मिनेशन था। इस डिस्पैरिटी की बात हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। जहां पर सबके लिए एक बराबर है वहां की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेल और फीमेल में इतना हद तक फर्क करना भी सही नहीं है, इतना अंतर करना भी सही नहीं है कि लोग जो है कोई जॉब करने से पहले 10 बार सोचें कि क्या ये सही है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप अपनी जिंदगी कुछ साल जो है किसी फील्ड में दे देते हैं, किसी सर्विस में दे देते हैं, किसी जॉब में दे देते हैं, आपके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है स्विच करना, किसी और बारे में सोचना कि अब आगे का जीवन यापन कैसे होगा। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। और एक्सीडेंटली या इंटेंशनली भी अगर कोई शादी करता है, तो क्या ये ग्राउंड हो सकता है कि उनकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाए? मतलब कि अगर किसी की शादी हो गई तो क्या वो उपयुक्त नहीं है कोई भी जॉब करने के लिए? आप इस तरह से सोचिए ना, चीज़ों को इस तरह से सोचिए। जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई अगर आप कर लेते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, मैं एनकरेज करूंगी आपके पॉइंट को, ठीक है। बट हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं जहां पर एक समान चीजें हो रही हैं, हम उस बारे में बात कर रहे हैं फर्क कहाँ पे आ रहा है, फर्क कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी पिटिशनर थी, इन्होंने बोला कि इस तरह की पावर आर्बिट्ररी है, मनमानी है, क्योंकि इसके लिए कोई ग्राउंड ही नहीं है ना। ये तो जो चाहे, सुबह उनका मन हुआ उठ के बोलने का, उन्होंने बोल दिया ठीक है ऐसा हो जाएगा, तो ये तो मनमानी बात हो गई ना, ये तो गलत बात है। मतलब एक सिद्ध बात होनी चाहिए, एक आपके पास पर्टिकुलर ग्राउंड होना चाहिए स्टैंड करने का कि इस वजह से अगर आपने ऐसा करा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये चाहें तो एज बढ़ा सकते हैं रिटायरमेंट की मेल्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर इनको किसी भी अथॉरिटी की, पावर की, प्रोविजन की जरूरत नहीं है, ये मनमाने तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। तो ये कुछ मुद्दे थे जहाँ पर इनको दिक्कत आ रही थी, पिटिशनर को दिक्कत आ रही थी, एक फीमेल एयर होस्टेस थी। आइए आगे की कहानी देखते हैं। अब यहाँ पर चलिए, हमारे पास लीगल इश्यूज क्या क्या हैं, फैक्ट्स तो आपको समझ में आ गए कि पॉइंट क्या है, दिक्कत कहाँ पे आ रही थी। अब लेकिन कोर्ट को कंसिडर क्या करना है, कोर्ट को फैसला किस पे देना है, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो जो क्लॉजेज है 46 और 47 ऑफ एयर इंडिया एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशन, क्या ये वॉयलेट कर रहे हैं राइट टू इक्वालिटी? राइट टू इक्वालिटी, जैसे मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि सिर्फ आर्टिकल 14 में नहीं है, राइट टू इक्वालिटी को हम जो है रीड करते हैं आर्टिकल 14 प्लस 15 प्लस 16 में भी, और 17 और 18 में भी करते हैं। बट 17 और 18 का यहाँ पर जिक्र करने की जरूरत नहीं है, अनटचेबिलिटी एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात नहीं करनी है यहाँ पर। यहाँ पर हम आर्टिकल 14 की, 15 की और 16 की बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आर्टिकल 14 है आपका राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 है आपका जो आपको बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बी इट्स व्हाट सो एवर ग्राउंड, कोई भी ग्राउंड हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 16 बात करता है जॉब वगैरह की, जहाँ पर जो है रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है और जो है कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए, इससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए हैं आपके, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ये मुख्य मुख्य आर्टिकल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, ठीक है, और इन दिस अल्ट्रा वायरस इन होल और इन पार्ट, मतलब कि क्या ये अल्ट्रा वायरस है, क्या ये शून्य करार दे दिया जाएगा इसको, चाहे पूरी तरीके से चाहे पार्टली, मतलब कि क्या हुआ इसका? क्योंकि डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, 50 कहाँ 58 ईयर्स, कहाँ 35 ईयर्स, तो क्या इसको पूरी तरह से जो है शून्य करार दे देना चाहिए या फिर पार्ट में देना चाहिए? मतलब कि आप इक्वल स्टेटस पर लेकर आइए, जेंडर इक्वालिटी को मेंटेन करना है तो आप मेल और फीमेल को बराबर उस पर लेकर आइए, बराबर पेडेस्टल पर लेकर आइए, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोई इश्यू तो नहीं है, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई पॉइंट अपनी साइड से रखना चाहते हैं, फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ साथ के साथ, ठीक है। गुड आफ्टरनून बॉय, गुड आफ्टरनून। उसके साथ साथ अब एक मुद्दा तो ये है ही 46 और 47 का, अब दूसरी चीज हमने देखी कि यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं एज को इंक्रीज करने की, मनमाने तरीके से, मतलब कि अपने मन से आप कर सकते हैं जो चाहें। लेकिन क्या यहाँ पर जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं रेगुलेशन 47 के तहत, क्या वो बहुत ही एक्सेसिव डेलीगेशन है? मतलब कि उनको पावर तो डेलीगेट कर दी गई है कि वो जो ठीक समझे वैसा, जैसा उचित समझे वैसा कर ले, लेकिन क्या ये बहुत एक्सेसिव डेलीगेशन नहीं है? मतलब कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा अथॉरिटी नहीं दे दी। अब आप किसी को भी ज़्यादा पावर देंगे तो सीधी सी बात है उसका मिसयूज़ भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप सबने वो कहावत सुनी है कि नहीं, वो फ्रेज सुना है कि नहीं, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर
करप्ट एब्सोल्युटली, मतलब कि जितनी ज्यादा पावर होगी मिसयूज उतना ज्यादा हो सकता है, करप्शन उतना ज्यादा हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर से ऊपर कोई था ही नहीं जो क्वेश्चन रेज करे, कोई था ही नहीं, इनको किसी को हिसाब देना ही नहीं है, किसी को कुछ बताना ही नहीं है, किसी से कोई वार्तालाप करना ही नहीं है, अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से जो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो क्या ये एक्सेसिव डेलीगेशन नहीं हुआ? क्या ये बहुत ज्यादा पावर इनको नहीं दे दी गई? ठीक है, एग्री कर रहे हैं आप लोग, अत्यधिक प्रत्यायोजन नहीं है ये? क्या इसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? तो कोर्ट के सामने दो इश्यूज, लीगल इश्यूज ये थे जिन पे कोर्ट को जजमेंट देना था। ठीक है, पहली चीज वॉयलेटिव है कि नहीं, और दूसरी चीज ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं वो एक्सेसिव डेलीगेशन में आती हैं या नहीं है। सहमत हैं आप लोग? कोई असहमत है तो प्लीज मुझे यहाँ पर बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़ने से पहले उस चीज को कवर कर लें। ठीक है, उसके बाद जजमेंट की बात कर लेते हैं। हमने कहानी समझ ली, हमने इश्यूज समझ लिए, अब हम देखते हैं कि कोर्ट ने यहाँ पर क्या समझा और क्या कहा और हमें इसके आगे क्या समझना है। ठीक है, यहाँ पर एपेक्स कोर्ट बोले तो सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है, एपेक्स का मतलब होता है सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा। तो यहाँ पर हमारी शीर्ष अदालत कौन सी है? दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसकी बेंच है न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए, इन्होंने हियरिंग करी, आर्ग्यूमेंट सुने, इन्होंने दोनों पार्टी से आर्ग्यूमेंट सुने और इन्होंने बोला कि जो क्लॉजेज है ना रिटायरमेंट और प्रेगनेंसी को लेकर के, रिटायरमेंट और प्रेगनेंसी को लेकर के आपके जो क्लॉजेज हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, पूरी तरह से असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के टोटली कॉन्फ्लिक्ट में है, और फंडामेंटल राइट्स तो हटाइए, ये तो ह्यूमन राइट्स के ही कॉन्फ्लिक्ट में हो गए ना, ह्यूमन राइट्स ही वॉयलेट हो रहे हैं यहाँ तो। फंडामेंटल राइट्स तो चलिए फिर भी बाद में आएंगे, लेकिन ह्यूमन राइट्स ही वॉयलेट हो रहे हैं यहाँ पर। और बोला गया कि साथ साथ इनको इमीजिएटली स्ट्रक डाउन किया जाए, इमीजिएट इफेक्ट के साथ, तत्काल प्रभाव के साथ इनको खत्म किया जाए, इनको खत्म किया जाए। कौन से क्लॉजेज? रिलेटिंग टू रिटायरमेंट एंड प्रेगनेंसी, रिलेटिंग टू रिटायरमेंट एंड प्रेगनेंसी। रिटायरमेंट वाला क्लॉज कौन सा? जहां पर 35 वर्ष की आयु में महिला का कंपलसरी रिटायरमेंट था, क्योंकि वो एक एयर होस्टेस बनने की शायद केपेबल नहीं रहती हैं 35 की उम्र के बाद। लेकिन आज हम 2022 में जी रहे हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कोई महिला की वर्ष अगर आयु अगर 35 वर्ष हो चुकी है तो क्या वो एयर होस्टेस बनने के लायक नहीं है? क्या इस ग्राउंड पर, सिर्फ इस ग्राउंड पर उनका टर्मिनेशन हो जाना चाहिए, मतलब उनकी जॉब छीन लेनी चाहिए? हाँ अभिजीत जी, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होने वाली है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, अपडेटेड हैं आप, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अपना जो है पास्ट प्रेजेंट के, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ साथ पास्ट चीज़ें भी देखनी ज़रूरी हैं आपको। देखिए, ये पता होना चाहिए कि इतनी सारी जो इंटरप्रिटेशन हमारे पास आती है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, अलग अलग चीज़ों को लेकर के, वो कहाँ से आई हैं, डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ है, इनिशिएशन कहाँ से शुरू हुआ है, कॉन्सिक्वेंस तो हम देख ही रहे हैं, कॉन्सिक्वेंस हम आए दिन नए नए देखेंगे, चीज़ें हम आए दिन नहीं नहीं देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है अलग अलग चीजों को फंडामेंटल राइट्स में इनकॉर्पोरेट कर रही है। हमने कुछ सेशंस में, कुछ केसेस में ये भी देखा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी कुछ इस तरह इंटरप्रेट करा जा रहा है जिससे वो फंडामेंटल राइट्स के अम्ब्रेला में आ जाए, फंडामेंटल राइट्स के जो है उसमें छाते में आ जाए, उसके अंदर आ जाए, ताकि उनको जो है जस्टिफाई कर पाए कोर्ट, उनको प्रोटेक्ट कर पाए, है ना, जैसे उनको प्रोटेक्ट कर पाए। इस वजह से ठीक है, इस वजह से हमारा ये चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है, समझना ज़रूरी होता है, और पढ़ना तो है ही, नो डाउट पढ़ना तो है ही, चाहे यहाँ से पढ़िए चाहे कहीं और से पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। कुछ भी ऐसा क्यों एयर होस्टेस के लिए 35 में रिटायर, इतना एज गैप? हाँ एग्जैक्टली वही बात है ना, हमें प्रॉब्लम एक्चुअली ये नहीं है कि आप 35 में रिटायरमेंट बोल रहे हैं, हमें प्रॉब्लम यही है कि आप मेल और फीमेल में इतना फर्क किस बेसिस पर कर रहे हैं। अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनकी सर्विस टर्मिनेट हो जाएगी, अगर उनकी शादी हो जाती है तो उनकी सर्विस टर्मिनेट हो जाएगी। हम जो है इस टाइम पर जो युग में जी रहे हैं, यहाँ पर मैटर्निटी बेनिफिट के प्रोविजंस इक्वली मिलते हैं हस्बैंड्स को भी, जो फादर बनते हैं उनको भी मैटर्निटी लीव ग्रांट होती है, उनको भी सारे फायदे मिलते हैं। तो क्या यहाँ पर, क्या यहाँ पर सही है कि खाली फीमेल के साथ ही ऐसा हो रहा है, फीमेल को जो है जॉब से निकाल दिया जा रहा है? शादी होना कौन सी बहुत बड़ी बात है, मतलब क्या ही हो गया, क्यों वो जॉब करने के लायक नहीं है, ग्राउंड क्या है टर्मिनेशन का? तो वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर टोटली फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है, तो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको आज के आज खत्म करिए, अभी के अभी खत्म करिए। ठीक है, ओके,
चलिए नेक्स्ट। और फर्दर मोर जहां तक रेगुलेशन 47 की बात है, 47 के जहां तक बात है, एयर इंडिया एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशंस के तहत, तो यहां पर भी ऐसा ही माना गया है कि आर्टिकल रेगुलेशन 47 सफर करता है एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ पावर्स के साथ। एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ पावर्स है यहाँ पर, जो कि विदाउट एनी रीजनेबल गाइडलाइंस है टू पुलिस द सेम। मतलब कि आपके पास कोई रीजनेबल गाइडलाइंस नहीं है ना, आपके पास कोई रीजनेबल अथॉरिटी नहीं है, आपके पास कोई रीजनेबल फैक्टर्स नहीं है, आपके पास कोई पर्टिकुलर ग्राउंड्स नहीं है जिन पे आप ऐसी पावर का एक्सरसाइज कर रहे हैं जो आपका एक्सेसिव डेलीगेशन वाला पॉइंट है। यहाँ पर आपको अथॉरिटी मिलनी चाहिए, तो एक रेंज भी तो होनी चाहिए ना, एक रेंज होनी चाहिए, उसमें फॉल करना चाहिए, उसके बाद आप अपना एक्शन लीजिए, उसके बाद आप कोई भी चीज़ जज करिए, उसके बाद आप कोई भी चीज जज करिए। तो अभिजीत जी, यंग एयर होस्टेस चाहिए कंपनी को, वो बात तो ठीक है, तो आप फिर वो क्लॉज सबके लिए रखिए ना, इफेक्टिव तो फिर उतना ही सभी रहेंगे। आप उनको किसी और डिपार्टमेंट में भी तो शिफ्ट कर सकते हैं। टर्मिनेशन का क्या मतलब है? किसी और डिपार्टमेंट में सर्व शिफ्ट किया जा सकता है उनको, कोई और जो है अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है, कोई और काम करवाया जा सकता है उनसे। बिकॉज ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ ना डिफरेंस करने का, ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ, ये तो गलत बात है। हाँ, बुशरा जी का पॉइंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, हाँ यहाँ पर रीजनेबल गाइडलाइंस होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर रीजनेबल गाइडलाइंस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है डेलीगेशन एक्सेसिव है, क्योंकि जहां जहां पर जिस जिस पोस्ट पर जो जो पर्सन बैठेंगे सब अपने अपने अकॉर्डिंग सोचेंगे, तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग सोचेंगे तो चीजें जितने डायरेक्शन है ना उतने डायरेक्शन में जानी ही, अलग अलग डायरेक्शन में जानी ही है, अलग अलग चीजें होनी ही होनी है, ठीक है। इसलिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि मैरिज और रिटायरमेंट वाली बात तो गलत है ही, और लेकिन यहाँ पर जो प्रेगनेंसी क्लॉज है ना, इसको कुछ इस तरह अमेंड करा जाए कि जैसे बर्थ ऑफ थर्ड चाइल्ड ऐड करा जाए। मतलब यहाँ पर फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी के लिए ही बोल दिया गया था कि अगर प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो सर्विस टर्मिनेट हो जाएगी, बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला, रिकमेंडेशन दिया। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है रिकमेंडेड, यहाँ पर ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर रिकमेंडेशन लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिकमेंड करा कि जो प्रेगनेंसी वाला क्लॉज है ना, उसमें बर्थ ऑफ अ चाइल्ड को हटा करके, प्रेगनेंसी को हटा करके प्रेगनेंसी ऑन बर्थ ऑफ थर्ड चाइल्ड वाला क्लॉज डाला जाए, थर्ड चाइल्ड वाला क्लॉज देखा जाए, डाला जाए। अब रीजन आप लोग मुझसे पूछेंगे इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये है कि अगर कोई महिला है जिनका विवाह हो चुका है, जिनके ऑलरेडी दो बच्चे हैं, अब देखिए कुछ हद तो होती है ना, फ्रीडम का कुछ तो दायरा होता है, लेकिन अगर तीन बच्चे हो जाते हैं, दो से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो ये माना जाता है एक जनरल कंसेंसस है कि अगर महिला घर पे इतना ज्यादा बिजी है तो वो अपना काम एफिशिएंसी के साथ किस प्रकार करेगी, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि अन्याय तो देखिए किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, एयरलाइंस के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा देखिए, ऐसा किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए कि उनके साथ अन्याय हो रहा हो, मतलब एक का नुकसान हो रहा हो और एक का सिर्फ फायदा फायदा हो रहा हो। हमें तो सबका भला करना है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट लेकर के चले हैं तो उसको फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पर ऐड करा जाए विच इज बेस्ड ऑन द रीजनिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ की बात है यहाँ पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो इस बेसिस पर आप ये क्लॉज ऐड कर सकते हैं, बट इसको पूरी तरह से जो है दूसरे डायरेक्शन में लेकर चलना विल बी रॉन्ग, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हमारा आज का सेशन हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हमारा यूपीएससी का लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर का बैच लॉन्च हो चुका है, जिसकी नोटिफिकेशन हाल ही में 4-5 दिन पहले आई थी, और 8447 की टीम आपके लिए ये बैच लेकर के आ चुकी है। आप इस बैच को हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं बाय यूजिंग रेफरल कोड Y625। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि आपको कैसे परचेज करना है। आपको अपना ब्राउजर खोलना है और आपको टाइप करना है 8447, फिर आपको ये खोलना है और आप जाएंगे ऑल कोर्सेज में, देन आपको जाना है यूपीएससी में, फिर आपको जाना है यूपीएससी LEO में, ठीक है। लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर का ये बैच शुरू होने वाला है 5 अक्टूबर से, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो जिनको भी इंटरेस्ट है, जो भी इसका एग्जाम देना चाहते हैं, प्लीज आप लोग फटाफट से एनरोल हो जाइए। 300+ आवर्स की लाइव क्लासेस हैं आपकी, जो लोग लाइव नहीं देख पाएंगे उनको रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएंगी। सारी डिटेल्स बैच के यहाँ पर हैं, और इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ वाला पोर्शन तो मैं ही डील कर रही हूँ, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। सारी क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी, मतलब कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, ठीक है।
चलिए, बाकी सारा आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाता है जो भी टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। और अब यहाँ पर प्राइस देखिए आप, तो 13,999 प्राइस है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्राइस बाकी लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है। आपको यहाँ से जाना है बाय नाउ में, और यहाँ पर कूपन कोड आपको एंटर करना है, दैट इज, गिव मी अ मिनट, अभी बताती हूँ। डोंट गो एनी वेयर, अभी मैं यहीं पे हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, बताती हूँ क्या एंटर करना है आपको और फिर इफ़ेक्टिव प्राइस क्या होगा कोर्स का। और ये सिर्फ इस कोर्स के लिए नहीं है, आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो आप ये कोड लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। यू हैव टू अप्लाई Y625 और आपका अमाउंट यहाँ पर हो जाता है 3200 रुपये। 3200 रुपये में आपको पूरा 12 महीने की वैलिडिटी के साथ पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच मिलने वाला है, जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन होने वाली है, पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको कहीं और जाने की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है। उससे भी अच्छी बात, आपको ये कोर्स पढ़ सकता है 2800 रुपए का। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू डाउनलोड Atal247 का मोबाइल ऐप, वहां पर आपको 299 या 399 फ्री कॉइन्स मिलते हैं, वो आप रिडीम कर सकते हैं, 400 रुपए वहां से कम हो जाएंगे और आपको 2800 रुपए में पूरा बैच मिल जाएगा। देखिए इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, एग्जाम होने वाला है, फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, तो प्लीज टेक इट सीरियसली, बिकॉज ये जो टाइम पीरियड होता है यही गोल्डन टाइम पीरियड होता है। अगर आप इसमें काम कर लेते हैं यू विन, अदरवाइज यू लूज, ठीक है। फटाफट से आप लोग एनरोल कर लीजिए जो भी इंटरेस्टेड है, जस्ट यूज द कोड Y625। चलिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हम मिलेंगे कल शाम को 5 बजे Atal247 PCS के चैनल पर, और आज शाम को 6:30 पे 6:30 बजे मिलेंगे Atal247 IAS के चैनल पर। डोंट बी लेट, टाइम पर आ जाइएगा 6 PM पर। आई गेस एक और इवेंट है, दैट्स वाई हमारा जो क्लास होगा वो 6:30 पे होगा, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म भी कर दीजिएगा, एंड बी देयर ऑन टाइम, आई विल वेट फॉर यू। चलिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय।